हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मनवी मेकओवर्स एंड दिस इज माई फर्स्ट एवर व्लॉग। मैं कभी भी व्लॉग शूट नहीं की हूँ, बट आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं ये व्लॉग शूट करूँ, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्लॉग। और ये व्लॉग होने वाला है बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड माई लीना भूषण कोर्स। एंड येस यू नो गाइज, लीना भूषण, द लीना भूषण मेरी सबसे फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट है, और उनसे कोर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और मैं फाइनली वो करने जा रही हूँ। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो मैं अब आपको बताने वाली हूँ सारी चीज़ें जो आपने कैरी करनी है। ऑब्वियसली जब आप लीना भूषण के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो, सो यू आर एडेड टू अ ग्रुप जिसमें आपको बताया जाता है आपको क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है, बिकॉज यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी प्रोडक्ट्स। आपको अपनी वैनिटी खुद लेकर जानी होती है। एंड दिस कोर्स इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। ये एक एडवांस कोर्स है, दीज आर नॉट फॉर बिगनर्स जिनको बिल्कुल मेकअप नहीं आता, हाथ से ब्रश पकड़ना नहीं आता। नो, दिस इज नॉट फॉर देम। मैं एक ऑलरेडी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, देहरादून बेस्ड हूँ मैं। एंड येस, फॉलो मी ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम चैनल में, उसमें अपनी सारी ब्राइड्स की सुंदर सुंदर वीडियोस डालती रहती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं कितना गंद फैला हुआ है, बिकॉज अभी सारी चीज़ों को अभी अच्छे से संभालना है। और येस गाइज, मैंने अभी भी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है और मैं बड़ी टेंस हूँ, बिकॉज परसों हमने निकलना है और 7 से मेरी क्लास शुरू है, 7 जुलाई। वो भी मैं देहरादून बेस्ड हूँ और मुझे दिल्ली जाना है, तो यू नो बाय हम रोड जाएंगे तो हमें बड़ा टाइम लगने वाला है। लेकिन फिलहाल मुझे टेंशन हो रही है कि काम कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि वैनिटी को मैंने कैसे सेटअप किया। मेरा आधा सामान ऊपर पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, बाकी मेरे जो छोटा मोटा सामान है वो बाकी दोनों ड्रॉर्स में है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल हम शुरू करते हैं अपने आगे का व्लॉग। ये रही मेरी वैनिटी। ये वैनिटी सिर्फ इतनी से नहीं है जितनी आप देख रहे हैं, ये वैनिटी इनफैक्ट काफ़ी बड़ी है, 4 टुकड़ों में आती है। मैंने लुधियाना से परचेज़ की थी, बड़ी अच्छी वैनिटी मुझे लगती है ये। और इसमें मैं अब डालने वाली हूँ अपना सामान। सो आप देख सकते हो मेरी थोड़ी सी पैकिंग हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अभी मैंने फाउंडेशन रखे हैं, थोड़े से ब्लशेज़ रखे हैं, कंपैक्ट रखा है, और अपना थोड़े बहुत जो कंसीलर्स हैं, टोनर, मॉइस्चराइज़र और कंसीलर्स रखे हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लेकर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज हमें वही चीज़ें लेकर जानी है जो हमें लिस्ट में बोला है। लेकिन मैं तब भी अपना एक्स्ट्रा सामान लेकर जा रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि वहाँ पे मुझे एकदम से किसी चीज़ की नीड पड़ जाए और वो चीज़ होने के बावजूद भी मुझे परचेज करनी पड़े। बिकॉज यहाँ पर अगर सपोज़ उन्होंने हमें टू फेस का कंसीलर लेकर जाने के लिए बोला भी नहीं है, बस स्टिल मैं लेकर जा रही हूँ, बिकॉज यू नो जब है तो लेकर जाओ, क्या पता किस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ जाए। एंड अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाएगी गाइस, तो 2000 का कंसीलर मैंने फिर से तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। सो कुछ नहीं कर सकते। ये जो ब्रशेज है ना, डोंट माइंड, पर ये बहुत गंदे हो गए हैं, मुझे ये धोने हैं जो मुझे आज धोने थे पर मैं नहीं धो पाई। सो वी हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ वर्क। हमें आई शेडो पैलेट्स लेकर जाने के लिए बोला हुआ है, और मेरे पास ज़्यादा आई शेडो पैलेट्स नहीं है गाइस, मेरे पास एक हुडा ब्यूटी की पैलेट है और एक दो मॉर्फी जैकुलिन हिल की है। सो ये दोनों पैलेट्स जाने वाली हैं मेरे साथ, और बाकी सारा ज़्यादातर सामान मेरा पैक हो चुका है, क्योंकि मेकअप में ज़्यादा नहीं मंगाया हुआ है हमें बड़ी कम चीज़ें मंगाई हुई हैं। लेकिन येस, ये है मेरे पास लैशेस, और इसके अलावा भी बहुत सारी लैशेस हैं, अगर आप देख सकते हैं वो बहुत सारी लैशेस पड़ी हैं वहाँ पे। इन सबको मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे लुक्स क्रिएट करने का सोचा हुआ है मैंने। लेट्स सी कि कैसे लुक्स हम क्रिएट करने वाले हैं। होप फॉर द बेस्ट गाइज। सो अगला दिन शुरू हो चुका है, सुबह हो चुकी है, सुबह के 10 बज रहे हैं और हमें कल निकलना है सुबह सुबह 6 या 7 बजे तक हमने सोचा हुआ है। लेकिन लेट्स सी कि हम कितने बजे निकलेंगे। बट मेरी वैनिटी ऑलमोस्ट पैक हो चुकी है, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने हर चीज़ें कैसे पैक की है। ये है मेरा सबसे टॉप वाला जो फ्लोर है, इसमें मैंने सब कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स अपने इंक्लूड किए हैं। मेरे सारे कंसीलर्स इधर हैं, मेरे ग्लिटर्स इधर हैं, मेरे फाउंडेशन, मेरे पाउडर्स, मेरे मेकअप फिक्सर, और यहाँ पे है मेरे पास कॉम्पैक्ट्स, यहाँ पे मैंने रखा है अपने बाकी का सामान लाइक ब्लशर्स एंड मॉइस्चराइजर, टोनर, इसको हम कर देंगे बंद। एंड गाइस, अगर आपको भी ये वैनिटी बहुत पसंद आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। इसको हमने बंद कर दिया एंड इट्स वेरी सेफ। सो ये हमारा फर्स्ट वाला है जो सबसे ऊपर आएगा, ये मेरा हो चुका है पैक। और उसके बाद जो है हमारा वो है सेकेंड। इसमें मैंने रखे हैं अपने कुछ ईयर बड्स और अपने जितने भी पैलेट्स हैं मैंने वो रखे हैं। ये मेरा सेकेंड वाला है, वो इस वाली वैनिटी के नीचे आएगा। फिर जो थर्ड वैनिटी है जो इसके नीचे आएगी, वो आएगी हमारी ये। इसमें मैंने रखा है अपने सारे एसेसरीज और जितना भी मेरा सजाने वाला सामान है,
कुछ बीड्स रखी हैं मैंने, क्योंकि यू नेवर नो कि मॉडल्स के ऊपर क्या चीज़ें अच्छी लग जाएं, और कुछ बिंदीज भी रखी है क्योंकि ब्राइडल लुक में यू नेवर नो कि मैं बिंदी लगाना पसंद करूं या नहीं करना पसंद करूं। और उसके बाद ये हमारी लैशेज हैं, मेरे पास कुछ लैशेज जो ऑलरेडी थी जो मैं यूज़ करती आई हूँ वो है, और कुछ लैशेज हैं जो मैंने एक्स्ट्रा परचेज किया। आप देख सकते हो गाइस इतनी सारी लैशेज मैंने ली हैं, एंड ऑल इज यू नो सब कुछ मैंने लिया है इस कोर्स के लिए, एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि ये सारी लैशेज अलग अलग ब्रांड्स की हैं, बट ये लैशेज को मैं पहली बार यूज़ करने वाली हूँ, और अलग अलग स्टाइल्स की लैशेज हैं, मैं हर मॉडल पे अलग अलग लैश यूज़ करूँगी। सो ये रहा, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं लाइक गोटा जो मैंने लिया हुआ था अपने ब्राइड्स के लिए, यू नो सिख ब्राइड्स जो हैं काफ़ी पसंद करती हैं अपने ब्रेड्स में, अपने बंस में, और मैंने लीना भूषण मैम को भी देखा है ये ब्रेड्स को यूज़ करते हुए। पहला जो डब्बा है वो आएगा इस वाले के ऊपर, तो इसको हम रख देते हैं लाइक दिस। या आप देख सकते हैं ये चीज़ बिल्कुल ज्वाइन होनी चाहिए, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सही से पैक हुआ है। आप देख सकते हैं ये हो गया डन, दीज टू आर डन। ये वाला कैरी करेंगे, इसको लगाएंगे इसके ऊपर। ओ गिरने वाला था, ठीक है, और इसको भी बंद कर देंगे लाइक दिस। इट्स डन, तीन डब्बे जा चुके हैं, इस वाले को लेकर जाना है, ये थोड़ा भारी है। ओ इसको बहुत ही आराम से आपने बंद करना है, कर दिया है, और मेरी जो वैनिटी है बिल्कुल सेट है। एंड यू कैन सी कि इसमें हमें ये भी दिया हुआ है जिसे इजीली हम कैरी कर सकते हैं, एंड व्हील्स हैं हमारे पास इसमें ताकि ये ईजिली मूव हो सके। आप देख सकते हो व्हील्स भी हैं, सो इट्स अ वेरी इजी टू कैरी वैनिटी, बट इसमें मुश्किल ये है कि ये नीचे से बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, तो इसको मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर जब मैं होटल्स जाती हूँ अपने वेन्यू ब्राइड्स के लिए, तो मैं वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उन्हीं को बोलती हूँ कि इसे कैरी करें, बिकॉज मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कैरी करना। और अगर स्टेयर्स हैं तब तो आप इसे बिल्कुल कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेयर्स में इतनी भारी वैनिटी को सिर्फ इस हैंडल के सहारे कैरी करना इट्स नॉट एट ऑल ईजी गाइस। सो स्टेयर्स में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस वैनिटी को कैरी करना, बट लिफ्ट से आप जाना चाहें तो बहुत इजी हो जाएगा गाइस। सो आज है 6 जुलाई और हम फाइनली निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, एंड कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं इसलिए हमें आज ही निकलना होगा ताकि हम लोग शाम तक पहुंच सकें, थोड़ा सा रेस्ट ले सकें, ताकि कल सुबह सुबह मैं फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ ठीक 11 बजे, बिकॉज जो लीना भूषण मैम का जो स्टूडियो है उसके आसपास ही हमने होटल लिया है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ़ यू वांट टू नो कि मैं कौन से होटल में स्टे करूंगी। मेरी सारा काम मेरा हो चुका है, मेरी पूरी वैरायटी पैक हो चुकी है, और मेरा स्टूडियो भी मैंने खाली कर दिया है। कुछ कुछ सामान है जो बचा हुआ है जो कि यूज़ कर नहीं है, जो मेन सामान था मैंने डबल चेक कर लिया है। रिंग लाइट हम लेके नहीं जा रहे बिकॉज हमें मना किया था, पोर्टेबल लाइट्स मेरे पास 2 हैं मैंने वो कैरी कर ली है, और बहुत सारा सामान हो चुका है हमारे पास, बिकॉज मेरे साथ साथ मेरी मदर एंड मेरी सिस्टर भी जा रहे हैं, तो वो लोग भी वहीं पे स्टे करने वाले हैं दिल्ली में, तो उनका सामान भी बहुत है। सो हमारी पूरी डिक्की जो है फुल हो चुकी है, पैक हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स गो। ये रही मेरी वैनिटी, एंड मेरी वैनिटी के 4 हिस्से थे लेकिन वो नहीं आ पाए, इसलिए हमने सिर्फ 3 हिस्से यहाँ डाले हैं, और एक हिस्सा जो है वो आगे पड़ा है, यू कैन सी दैट। और ये है हम कुछ सामान लेकर जा रहे हैं सनराइज़ बेकरीज में से, कुछ सामान में से हम रिलेटिव्स को देने वाले हैं, एंड कुछ सामान जाने वाला है लीना भूषण मैम को, बिकॉज वो मेरी गुरु होने वाली हैं। सो उनके लिए मैं छोटा सा तोहफा लेकर जा रही हूँ अपने देहरादून के जो बेस्ट बेकरी है वहाँ से। सो लेट्स गो। ये था मेरा पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको दिखाया कि ऑल द प्रिपरेशन विच आई डिड फॉर दिस मास्टर कोर्स बाय लीना भूषण। पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है जिसमें मैं अपलोड करने वाली हूँ क्या क्या हमने किया है पूरे रास्ते पर, बिकॉज हम लोग बाय रोड जाने वाले हैं। सो बाय रोड जाते हुए हम लोग क्या क्या मस्ती करने वाले हैं, वहाँ पे पहुँचने पर हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या फ़न करने वाले हैं हम लोग लीना भूषण स्टूडियो में, क्या क्या फ़न किया है हम लोग ने होटल में विथ फ्रेंड्स, वो सब कुछ अपलोड होने वाला है, बट ये होगा पार्ट 2 में। सो व्लॉग 2 ज़रूर देखिएगा जो कि बहुत जल्दी अपलोड होगा, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो या आपको और भी मेरी वीडियोज़ देखती रहनी है तो आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल
मनवी मेकओवर्स, मैं उसका लिंक डाल दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। बाय।